इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। हमारे चैनल हेल्प के लिए आगे आए हैं, यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, यूएई, पाकिस्तान ने भी ऑफर की है और कईयों ने शुरू भी कर दी है जो मटेरियल्स देने हैं वैक्सीनेशन के लिए या ऑक्सीजन के लिए। तो फिलहाल भारत के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, सारे भारत में ऐसा सिचुएशन नहीं है, दिल्ली में, यूपी में, वहाँ पे सिचुएशन कुछ ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है, लेकिन बाकी के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कंट्रोल में है और कुछ जगह पे लॉकडाउन दोबारा से लगा दिए गए हैं। अच्छा रविंदर, आप जिन स्टेट्स की बात भी कर रहे हैं जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर हंगामी इकदामात क्या किए जा रहे हैं अस्पतालों में उन केसेस से निमटने के लिए? बेसिकली अभी जो जिस बात को लेके पैनिक है वो ये है कि जो सहबे हैसियत लोग हैं वो डर के कारण भी अपने घरों में ऑक्सीजन वगैरह ये इकट्ठी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं कि कल को उनको ज़रूरत पड़ जाए तो वो कहाँ से लाएंगे, तो ये एक पैनिक है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स में जिस तरह की ऑक्सीजन जो चाहिए थी, गवर्नमेंट ने जितने स्टील प्लांट्स हैं या कमर्शियल में यूज़ होती है जो ऑक्सीजन, उसको रोक दिया है उन प्लांट्स को, उनको रिक्वेस्ट की है और हॉस्पिटल में जितनी ज़्यादा मुहैया करवाया जा सके ऑक्सीजन वो है। और इसके अलावा लोगों को बार बार नसीहतें दी जा रही हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो SOPs हैं उनको माने। उस लेकिन ये है कि अब जिसके घर का कोई बीमार है या मुश्किल में है तो उसको लाने ले जाने के लिए भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हालांकि उतनी भीड़ या वैसा सामना तो नहीं कर। अच्छा राव साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो तीसरी वेव आई है और उसके बाद ये बकायदा भारत में तो जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है, लेकिन ना तो हमने भारत के साथ कुछ ट्रैफिक को बंद करने का प्लान किया है, मतलब कि अब बकायदा बरतानिया और अमेरिका के अंदर उनकी हुकूमतों पे क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है कि जनाब आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं उनके अंदर, उनके साथ अपनी जो ट्रैफिक है उसकी आमद जामद। तो सर, ऐसी सूरत के अंदर ना तो हमने बरतानिया के साथ कोई ऐसी बंद करने की कोशिश की है ट्रैफिक व्रैफिक, उन्होंने कर दी हो तो हमें कोई पता नहीं, ना इंडिया के साथ। हैविंग सेड दैट, ये कितना मुअसर हो पाएगा जो हम फौज के जरिए या इस तरह के इकदाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं अर्ज करूंगा कि हम अपने सिस्टम में कमालात दिखाते हैं, जलवे दिखाते हैं, शायद वो ज्यादा एग्रेसिव वर्ड होगा। पूरी दुनिया में, जैसे इंडिया को मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं यूनाइटेड स्टेट्स को फॉलो कर रहा हूँ, यूके को फॉलो कर रहा हूँ, किसी जगह पे SOP की खिलाफ वर्जी बंद करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए फौज को नहीं बुलाया गया। और हमसाया मुल्क जो है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि मैं अभी एक घंटा पहले मैंने उनका प्रोग्राम एक देखा था। अब हमारे यहाँ हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ चीज़ें हम तस्लीम नहीं कर रहे और दुनिया बहरहाल जानती है और दुनिया हमें अंदर से अब समझती है। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सेटअप का फेलियर होता है अगर आप एकदम फौज को बुला लें और वो भी इस काम के लिए। याद हो तो पिछले साल हम प्रोग्राम कर रहे थे और इसी प्रोग्राम में आप स्टूडियो में तशरीफ रखते थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया कोरोना की, अगर आपको याद हो, और आपने उस वक्त फरमाया था कि ये कौन लोग हैं ये बातें कर रहे हैं। तो सर वो वैक्सीन कहां गई है जो हम डिस्कस कर रहे थे? मैं सर रजी साहब, मैं एक अर्ज करूंगा। आज मैंने बड़ी तकलीफ दे कॉलम लिखा है बहरूपिये का, टाइटल है, एक्सप्रेस में छपा हुआ, मैंने नकाल का लफ्ज इस्तेमाल किया। बाखुदा दिल से अब तकलीफ होती है जब मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं। आप मुझे बताएं कि मैंने आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट 3 बंदे को मैसेज किया कि कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला ले लीजिए आप,
और फॉर्मूला लेके यहां आप प्रिपेयर कर लें। आपका आपको अंदाजा है कि सर उनका जवाब क्या था? मैं इंपॉर्टेंट तरीन बंदों की बात कर रहा हूं, मैं कुछ सेकंड ईयर की बात नहीं कर रहा। उनका मैसेज आया मुझे कि हमारे बस की बात नहीं है। यानी पूरी दुनिया प्रिक्योर कर रही है या बना रही है, हम प्रिक्योरमेंट में भी सोए रहे हैं और हम लोग कैपेसिटी बढ़ाने में भी सोए रहे हैं। और अब एक चीज जब सामने देव बन के जिन बन के खड़ी हो गई है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सेटअप ने बैकसीट ले ली और कह जी फौज काम करेगी। मतलब इससे ज्यादा एक बेबसी और नाअहली क्या हो सकती है? और हम हर चीज में कंपैरिजन करते हैं इंडिया से, इंडिया में फौज क्यों नहीं आई? एसओपीज की खिलाफ वर्जी तो वहां भी हो रही है, इसलिए कि सेंसिबल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। दवाई की इंपोर्ट से लेके दवाई ना बनाने तक, वेंटिलेटर्स के मुतल्लिक मुसलसल झूठ बोलने तक, हॉस्पिटल्स की आप तादाद जो है बेड्स की वो ना बढ़ाने तक, और फिर सर माशाल्लाह ताजिर हजरात जो हमारे हैं अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज्यादा नवाजे, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जो है उसकी कीमत दुगनी हो गई है। और एक आदमी जब तड़प रहा होता है ऑक्सीजन के लिए और आपके पास पता चलता है कि सिलेंडर जो था वो खत्म हो गया, आप लेने जाते हैं तो मुंह मांगी कीमत वसूल की जाती है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो इस चीज पे रजी साहब, मैं सारी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ये बेसिक फैसिलिटीज जो हैं, ये राइट है हमारा। ये राइट हम कहां हासिल करें जाके? हम किसको कहें? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, चीफ मिनिस्टर को तो खैर बात करनी बिल्कुल ही मायूब है। मेरा ख्याल है भट्टी साहब उस पर ज्यादा खूबसूरत तबसरा फरमाएंगे। किससे बात करें हम लोग? और मुसलसल झूठ बोलने की एक ऐसी रिवायत कायम कर दी गई है जिसमें दुनिया हमें अब नॉन सीरियस ले रही है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इस वक्त सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है कि जी इंडिया बर्बाद हो गया। इंडिया कतन बर्बाद नहीं हुआ, पूरी दुनिया उनके साथ आके खड़ी हो गई है। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा उनको ऑक्सीजन 80 मिलियन टन कॉन्सेंट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें तो सर उन्होंने एक एक आउंस नहीं दिया। अमेरिकन उनके साथ खड़े हो गए, अमेरिका उन्हें कॉन्सेंट्रेट दे रहा है, यूके खड़ा हो गया है, हम तो सर फारिग हैं पूरी दुनिया में। आप बताइए कि प्रॉब्लम वहां है तो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, गलतियां उन्होंने भी बहुत ज्यादा की हैं, जैसे खुम का मेला था उनका बंगाल का और साउथ का पूरा एक इलेक्शन है। बट द पॉइंट इज दे आर लर्निंग, उनका कर्व है। और मैं रजी साहब आपकी वसातत से एक अर्ज करूंगा। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों भारत में कोरोना सिचुएशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पीक पकड़ चुकी है और भारत में जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो भारत में लगभग 17 लाख पर डे टेस्ट होते हैं, मतलब ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी होते हैं और इससे थोड़े बहुत कम भी होते हैं। तो 17 लाख पर डे की भारत की कैपेसिटी और पाकिस्तान की है 18,000 पर डे कोरोना केसेस की कैपेसिटी। आपको भी पता होगा दोस्तों भारत में कोरोना बहुत डेंजर है लेकिन रिकवरी रेट आपने देखा होगा, कल भारत में 2,40,000 लोग मतलब स्वस्थ होकर घर गए हैं और 3,15,000 केस आए हैं लगभग। तो भारत में डेफिनेटली अब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, लॉकडाउन का असर दिख रहा है। उम्मीद करते हैं ये लॉकडाउन आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और ये हमें कोरोना से डेफिनेटली जीत मिलेगी। तो गाइस भारत में कठिन समय में आपने देखा होगा दुनिया के बहुत सारे देश, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, रशिया, फ्रांस और यूरोप के कुछ देश, बहुत सारे देश मतलब भारत के सपोर्ट में आए, यहाँ तक कि भूटान जैसा देश जो छोटा सा है लेकिन दिल बड़ा है उसने भी जितना हो सका उतना तो सपोर्ट किया, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और भारत को अमेरिका ने थोड़ा सा होशियारी मारी, शुरुआत में उन्होंने रॉ मटेरियल देने से कुछ आनाकानी की लेकिन बाद में उन्होंने भी अब क्लियर कर दिया अजीत डोवाल के कॉल के बाद। तो गाइस भारत में अभी सिचुएशन ये है कि कोरोना केसेस तो हैं लेकिन भारत में एक उम्मीद है, भारत के पास वैक्सीन है, तो कीप पॉजिटिव, हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। पाकिस्तान में आज भारत के बारे में डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है, पाकिस्तान आप समझ सकते हो
भारत से मतलब अगर अभी सीख लेगा तो डेफिनेटली वहाँ पर भी कोविड कंट्रोल हो सकता है, वो भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉलो करें डेफिनेटली मतलब बच सकते हैं वो भी। तो भारत से जो मतलब दुनिया के सारे देश मदद कर रहे हैं, तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि भारत ने जब बुरा वक्त आया था अभी कुछ दिन पहले जब भारत में केसेस काफ़ी कम थे, तो भारत ने सभी देशों को, आपको याद होगा भारत ने बहुत ज़्यादा वैक्सीन पहुँचाई थी। कई कई देश तो इतने छोटे छोटे थे जैसे कि वेस्ट इंडीज के 72,000 वाले देश, उनकी पूरी आबादी को ही वैक्सीन दे दी भारत ने। भूटान जैसे देश को वैक्सीन पहुँचाई बहुत ज़्यादा अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स थे, पैसे भी नहीं लिए। सार्क देशों में तो भारत ने पहली दूसरी शिफ्ट फ्री में दी। बांग्लादेश को 12 लाख वैक्सीन दी भारत ने, नेपाल को दी, मालदीव को दी, श्रीलंका को दी, बहुत सारे देश को दी, पाकिस्तान को नहीं दी क्योंकि पाकिस्तान से हमारे अभी डिप्लोमेटिक संबंध टूटे थे। लेकिन पाकिस्तान को भी भारत से 4.5 करोड़ वैक्सीन मिलने वाली थी, लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका है, अमेरिका ने रॉ मटेरियल पर लगा दी पाबंदी, जिसकी वजह से भारत के पास खुद ही वैक्सीन नहीं थी, भारत के पास खुद ही वैक्सीन नहीं थी। अब वो मटेरियल मिलने वाला है लेकिन बहुत लेट कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका ने हमें धोखा तो दिया है, भले उन्होंने बाद में इसे कवर करने की कोशिश की लेकिन अमेरिका ने धोखा दिया। रशिया हमारा सच्चा मित्र, उसने भारत को, जो आपको पता है एक भारत में इंजेक्शन बिक रहा है, उसे मतलब रशिया ने बोल दिया कि हम 3.5-4 लाख इंजेक्शन पर महीने आपको दे देंगे, और रशिया ने ऑक्सीजन भी भेजी, फ्रांस ने भी भेजी। तो वो दुनिया में आपको पता चल जाएगा बुरे वक्त में आपका सच्चा दोस्त कौन है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि भारत को रशिया जो है वो सच्चा मित्र। चाइना ने मदद की पेशकश की लेकिन साथ ही चाइना ने जो वहाँ पर मिलने वाली दवाइयाँ वगैरह उसके प्रोडक्ट में 20% की बढ़ोतरी कर दी, यानी चाइना बहुत हरामखोर देश है, ये तो क्लियर हो गया। और अमेरिका भी कम हरामखोर नहीं है, अमेरिका ने पहले आनाकानी दी कि रॉ मटेरियल देने को नाटक किया, जिससे भारत में पिछले तीन महीने से वैक्सीन बहुत कम मतलब स्पीड से नहीं बन पा रही है। नहीं तो आज भारत में एक महीने पहले से 18 वर्ष की उम्र वालों को वैक्सीन लगना चालू हो जाता। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखें। उम्मीद करते हैं आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।